2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए। उपाय को 2 तरीके से बताऊंगी, एक खर्चे वाला और एक बिना खर्चे वाला। आर्थिक स्थिति जैसी हो वैसा कर लीजिएगा। बड़े महत्वपूर्ण 11 दिन चल रहे हैं, गणपति जी धरती पर हैं और जीवन में सुख समृद्धि देने वाले हैं। बाजार में किसी भी पूजा की दुकान पर आपको आसानी से गणेश सुपारी मिल जाएगी। अगर संभव हो सके तो जाकर कल गणेश सुपारी खरीद कर लाएं आप, और उस गणेश सुपारी को लाकर दूध दही शहद चीनी घी सबसे अलग अलग तरीके से धो स्नान करवाइए। उसका पंचामृत से स्नान करवा कर उसे गंगा जल से धोकर पोंछ के साफ करके फिर उसे घी में लपेटिए। घी में पूरी तरह से लपेटने के बाद आप इस सुपारी को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दीजिए, तिजोरी में कर दीजिए, अपने पर्स में कर दीजिए, कहीं पर स्थापित कर दीजिए अपनी विश को बोलते हुए। लेकिन जिन लोगों को गणेश सुपारी नहीं मिले, उस पर गणेश जी बने होते हैं सुपारी पर, वो एक चांदी का चकोर कल के दिन खरीदें। कल सोमवार का दिन है, बहुत खास दिन है, 3रा गणपति जी का दिन है, और उस छोटे से चांदी के चकोर को खरीद के पंचामृत से स्नान कराकर अपनी मनोकामना बोलते हुए इसे अपने घर, अलमारी, तिजोरी, पर्स या अपने फ़ोन के पीछे भी आप रख सकते हैं। ये आपकी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, धन को आपकी ओर आकर्षित करेगा, एक्सीडेंट से आपको बचाएगा, मूड स्विंग्स, एंजाइटी की प्रॉब्लम से आप दूर रहेंगे और आपका मन बहुत प्रफुल्लित रहेगा। और जो लोग ये नहीं कर सकते, कम से कम वो गणपति जी को केवल पंचामृत से ही स्नान करवा दीजिए। कल महादेव का दिन है, कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए 7 सुपारी वाला किया था। कुछ लोगों की सुपारी जो है चूहा उठाकर ले गया, आपका ये उपाय खंडित हो गया। आप इस उपाय को जो चावल कटोरी सब कुछ है उसे जाके पेड़ के नीचे रखाइए। अभी दिल्ली दूर है, यानी कि आपकी ये मनोकामना भी पूर्ण नहीं हो सकती। बस हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते रहिए। आगे मैं आपको और विशेष बताऊंगी पूरी करने के लिए, वो उपाय करिए। लेकिन जब उपाय इस तरह से खंडित हो जाए, वो सुपारी कोई उठा कर ले जाए, सुपारी के ऊपर से रंग उतरने लगे या उसके ऊपर कोई टोका टाकी कर दे, तो फिर इसका मतलब वो उपाय पूरा होने वाला नहीं है। भगवान